नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपना YouTube चैनल पर। आज मैं एक चाइना सीआरटी पीसीबी है मेरे पास, इसका प्रॉब्लम इसका सप्लाई में था वो मैं सही किया, लेकिन इसमें और एक समस्या है। तो मैं अपना वर्कशॉप जहां मैं काम करता हूं उस जगह पर मैं इसको लाया हूं, और इसमें प्रॉब्लम है कि इसका हाइट, पिक्चर ट्यूब का हाइट बहुत कम है। इसका ऐसा कंडीशन है कि इसका रिमोट भी इसमें काम नहीं कर रहा है। इसमें मैं रिमोट से भी कोशिश किया, रिमोट से भी इसका पिक्चर का हाइट बढ़ नहीं रहा है और कम भी नहीं रहा है। तो इसको मैं एक सीक्रेट ट्रिक से मॉडिफिकेशन किया है। मैं वर्टिकल सेक्शन में ही कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज़्यादा करके इसको मैं सही किया। किस प्रकार से, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इसमें देखिए, यहाँ पर इसका वर्टिकल आईसी लगा हुआ है 78040 है, और ये इसका एसटी है 1010 का। यहाँ पर इसका पावर सप्लाई, यहाँ पर इसका सिस्टम आईसी लगा हुआ है 8883 कुछ, और इसका एलोट नंबर कुछ ऐसा ही है, चाइना वाला किसी भी है। फ्रेंड्स, मैं ट्यूब में इसको फिटिंग कर लिया हूँ, और मैं अभी इसको दिखाता हूँ। इसको पलट लिया मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। नहीं तो मैं काम तो कर लेता, काम करके भी चला सकता था काम। किस प्रकार से मैं इसको मॉडिफिकेशन किया है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, और जो रेजिस्टेंस एक मैं ऊपर से ही लगा लिया है ताकि आप लोगों को बताने में मेरा ज़्यादा परेशानी ना हो और आप लोगों को समझ में भी आए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें पहले लाइन देकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका पिक्चर कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर, मेरा सॉकेट है, मैं इसे कारण दे दिया, और आप लोग इधर ग्लास में देखिएगा, देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं सामने से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, देखिए पिक्चर कुछ इस प्रकार से। यहाँ से इतना ऊपर कटा हुआ है और नीचे भी हाफ है। इसको मैं रिमोट से भी सही नहीं कर सकता क्योंकि इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं इस पीसीबी में ही मॉडिफिकेशन करूँगा। इसको करने के लिए फ्रेंड्स, हमको रेजिस्टेंस जो वर्टिकल आईसी का आउटपुट लाइन में रेजिस्टेंस को हम लोग ग्राउंड से जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ना है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, बाकी सब इसमें सही है। अगर रिमोट काम करना है तो इसका सिस्टम ऐसे चेंज करना पड़ेगा, इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन हम लोग एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़कर सिर्फ 1-2 रुपये खर्चा करके इसमें हम लोग इसको सही कर सकते हैं। और इसमें सारा कुछ सही है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मल्टीमीटर देखिए, यहाँ का 110 वोल्ट भी ओके है। कैमरा में थोड़ा इस तरफ मैं कर लेता हूँ। देखिए, अभी यहाँ 110 वोल्ट, 15 वोल्ट, और यहाँ का देखिए 27 वोल्ट। ये भी वर्टिकल सप्लाई, ड्राइवर सप्लाई, उसके बाद ये रेगुलेटर सप्लाई जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट के लिए 11 वोल्ट है यहाँ पर, और एक साउंड सप्लाई होता है, ये देखिए 30 वोल्ट जो साउंड आईसी को जाता है। बाकी सारे वोल्टेज सही है। ट्यूनर पर भी 5 वोल्ट है देखिए, और 180 वोल्ट यहीं पर है। इसका कैपेसिटर पर मैं देखता हूँ, देखिए 191। तो सारा वीडियो आउटपुट वोल्टेज भी सही है, सारा वोल्टेज सही है। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिक्चर बड़ा नहीं हो रहा है। और मैं इसमें अलग से मैं कोशिश भी किया लेकिन काम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कहाँ से कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ना है। जो वर्टिकल सेक्शन है इसमें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, वर्टिकल सेक्शन है इसमें, यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक कॉइल का कनेक्शन है जो ये है। देखिए, मेरा आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर के साथ जुड़ा है रेड वाला वायर, जो हम लोगों का एक कॉइल के रेड वायर है। 2 नंबर इसका, यह भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन का 2 नंबर एक कॉइल का वायर है। उसके बाद एक यहाँ पर वर्टिकल और एक वर्टिकल, इसी वर्टिकल जो पहला वाला पिन है यहाँ से, इसमें से देखिए
यहाँ से ट्रैक कीजिए और यहाँ एक कैपेसिटर है देखिए, और पीछे में वो कैपेसिटर पीछे में है, जो एक कैपेसिटर का वैल्यू है 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, या आप लोग 470 25 वोल्ट 35 वोल्ट ऐसा रहता है। जो देखिए मैं एक अलग सा पीसीबी में दिखा रहा हूँ, वो यहीं पर लगा हुआ है देखिए, और इसी के बगल में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये है वर्टिकल आईसी। यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अलग सा पीसीबी है और वो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए 1 वाट में लगा हुआ है, वो 1 ओम का रेजिस्टेंस रहता है। तो मैं वो रेजिस्टेंस ऊपर से ही देखिए यहाँ पर जोड़ कर रखा है पहले से, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें इसका कलर कोड देखिए, ब्राउन ब्लैक ऐसा और गोल्डन। तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोग, ये सीधा ग्राउंड के साथ यहीं पर जुड़ा है। इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट तो इस योक कॉइल का जो वर्टिकल का योक कॉइल है उसके साथ जुड़ा है कैपेसिटर का, और कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट सीधे देखिए इस ट्रैक से आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगकर यह सीधा ग्राउंड हो गया, ये जो ग्राउंड है, और इस बीच में ये रेजिस्टेंस है। इस वैल्यू को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो पिक्चर छोटा होगा, वैल्यू अगर कम करेंगे तो पिक्चर बड़ा होगा। अभी तो पिक्चर छोटा है, तो बड़ा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इससे कम वैल्यू को लगाना पड़ेगा। तो 1 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, अभी 0.5 ओम ऐसा कुछ लगाना है, 1 ओम से भी आधा, और चाहे तो आप 2.2 ओम्स का लगा के देख सकते हैं। अगर पिक्चर टिप छोटा है तो उस हिसाब से छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मैं इसको थियोरी या कि बुक में लिख के अभी नहीं बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा मैं कैमरा को यहीं पर सेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हैं या चैनल पहले से भी देखते हैं तो चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिले। और अंत में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं इस रेजिस्टेंस खोलूँगा यहीं से, अभी तो ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया था तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको खोल लेता हूँ यहीं से। मैं ऊपर से ही लगा कर रख दिया था ताकि वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो सके, फटाफट मैं दिखा सकूँ। और मैं देखिए यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लिया हूँ, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ का वैल्यू है देखिए ब्राउन ब्लैक और ग्रे, जो सिल्वर जैसे दिख रहा है, ऐसा मैं 2 रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस भी डालकर मैं देखा, इसे 2.2 ओम्स का, जैसे कि मैं देखिए ये यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है रेड रेड और ये सिल्वर, ये 33 ओम है, तो इससे इसको लगा कर दिखा रहा हूँ मैं, इसमें पिक्चर क्या कंडीशन बनता है मैं वो भी दिखा दूँगा आपको। देखिए मैं इसको जोड़ लिया और मैं अभी इसमें करंट दूँगा, करंट दे दिया। आप लोग इधर टीवी में देखिए, ग्लास में देखिए पिक्चर कितना और छोटा हो गया पिक्चर, मैं कोशिश किया हूँ ग्लास में दिखाने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैं वो जो पहले बोला जो ये 1 ओम का 2 रेजिस्टेंस मैं पैरेलल में जोड़ लूँगा एक साथ। तो मैं 2 रेजिस्टेंस 1 ओम का 2 रेजिस्टेंस एक साथ जोड़ लिया, देखिए पैरेलल में जोड़ लिया। इसको सीरीज करने से इसका जो ओम्स है वो बढ़ता है, और अभी पैरेलल में कर दिया तो इसका ओम्स कम हो जाएगा और इसका वाट बढ़ जाएगा, क्वार्टर वाट में है अभी हाफ वाट में हो जाएगा, इस प्रकार से इसका सिस्टम है। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
33 ओम रेजिस्टेंस जोड़ा तो पिक्चर और छोटा हो गया, पहले 1 ओम था, अभी मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ, आपके सामने ही जोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में हर प्रकार का वीडियो है रिपेयरिंग रिलेटेड, आप लोग चैनल में जाके विजिट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। मैं देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर का एक नेगेटिव पॉइंट था, वो कैपेसिटर जो मैं पहले दिखाया उसको एक पॉइंट पर मैं जोड़ दिया, अभी ऊपर से ही मैं जोड़ दे रहा हूँ, बाद में मैं अच्छा से बैक साइड से लगा लूँगा, फिलहाल मैं दिखाने के लिए ऐसे ही जोड़ ले रहा हूँ। और अभी पिक्चर मैं इसका दिखाऊंगा आपको, तो ये जुड़ चुका है और मैं अभी इसमें कारण दूंगा। तो आप लोग देखिए पिक्चर कैसा बनता है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी भी है फ्रेंड्स, मैं अभी इसमें कारण दे दिया। अभी देखिए स्क्रीन इसका फुल हो गया है, मैं इसको सामने से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सामने से पिक्चर कैसा दिख रहा है, देखिए पूरा फुल पिक्चर आ गया अभी। और मैं इसमें DTS का रिसीवर का मैं कारण दे दिया, देखिए मैं सीरीज बोर्ड में कारण दिया है, इसलिए फ्रेंड्स ऑफ हो जा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट करंट में देना पड़ेगा। अभी बोर्ड डायरेक्ट करंट में लगा दिया, अभी देखता हूँ। देखिए फुल स्क्रीन हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैंने जितना सका उतना आप लोगों को कोशिश किया दिखाने के लिए। मैं इसको अभी अच्छा से पैक करके फिर कस्टमर को मैं दे दूँगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है। और मेरे चैनल संग साथ जुड़े रहें, मैं नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे ट्रिक लाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।